अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। चैनल सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकॉन ज़रूर दबाएं ताकि जो वीडियो मैं अपलोड करूँ वो आप तक पहुँचे। आज हमारा मौजू फिर से बड़ा इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग इसलिए है कि मैं वो मौजू छेड़ता हूँ जो नॉर्मली लोग नहीं छेड़ना चाहते या उनको किसी और एंड से इस्तेमाल करना चाहते हैं। आज हमारा मौजू ये है कि हॉरोस्कोप जो होता है, जो कहते हैं मैच ऑफ हॉरोस्कोप, मैचिंग ऑफ हॉरोस्कोप, ये किस तरह की जाती है और इसके मैचिंग का असल तरीका कार क्या है। कुछ लोग ये कहते हैं कि जो मैचिंग ऑफ हॉरोस्कोप है ये दो हॉरोस्कोप को मिलाकर करनी चाहिए। क्वेश्चन ये हैं कि दो हॉरोस्कोप को मिलाकर करनी चाहिए या एक हॉरोस्कोप सब कुछ बता देता है, या कई लोग सितारे जिस तरह कहते एरीज से फलां फलां मुताबकत रखता है, फलां मुताबकत नहीं रखता। सबसे पहला क्वेश्चन कि किसी का कोई भी सन साइन हो उससे पांचवा और नौवा जो भी घर बनेंगे वो पॉजिटिविटी के लिए मुनासिबत के अतबार से पॉजिटिव समझे जाते हैं। जैसे किसी का सन साइन है एरीज, एरीज टॉरस जेमिनाई कैंसर लियो, एरीज से लियो मुताबकत रखता है, यानी कि एरीज और लियो दोस्त अगर हों तो एरीज और लियो आपस में अच्छे दोस्त होंगे। कंपेटेबिलिटी अगर एरीज सन साइन की किसी औरत का है तो उसका लियो के साथ कंपेटेबिलिटी अच्छी बन जाएगी। इसको और दूसरा एंगल ये है कि इसको अगर नवा घर गिने एरीज टॉरस जेमिनाई कैंसर लियो वर्गो लिब्रा स्कॉर्पियो सेगिटेरियस, तो एरीज से स्कॉर्पियो जो सेगिटेरियस है वो भी कंपेटेबल है। इसलिए कहा जाता है कि वो तमाम मर्द और औरतें जो आपस में दोस्ती में हैं, तल्लुक में हैं, रिश्ते में हैं, शादी में हैं, जब वो एक से एरीज से सेगिटेरियस में आएंगे या एरीज वाला और सेगिटेरियस वाला ये आपस में दोस्त हैं। तीसरा और नौवा एरीज टॉरस जेमिनाई, एरीज से जेमिनाई भी कंपेटेबल है और कैप्रिकॉर्न एक्वेरियस और से एक्वेरियस से एरीज भी कंपेटेबल है। इसलिए ये सिंपल फार्मूला है एस्ट्रोलॉजर्स का जो आपको घुमाते हैं और आपको समझ नहीं आते कि ये बेसिकली करते हैं क्या, ये सिर्फ ये करते हैं। एरीज यानी कि आप फर्ज कर लें कि कोई बंदा या औरत उसका सन साइन है एरीज, उससे तीसरा पाँचवा नौवा और ग्यारहवा घर जो जो बनेंगे उनको उंगलियों पर गिन लें, ये आपस में कंपेटेबल हैं जिनकी इनके आपस में दोस्ती चल जाएगी। दूसरा तरीका ये है कि इनमें जो स्क्वायर में आते हैं या अपोजिशन में आते हैं वो नामों के अतबार से ले लें, घरों के अतबार से ले लें, वो पॉजिटिव नहीं है। जैसे एरीज टॉरस जेमिनाई कैंसर, एरीज से कैंसर यानी कि मून और मार्स और एरीज से कैंसर, एरीज और कैंसर की आपस में नहीं बनती, आपने बहुत सुना होगा। अब एरीज को फिर अगर आप पहला घर बनाएं या कोई एरीज वाला है तो एरीज टॉरस जेमिनाई कैंसर लियो वर्गो लिब्रा एरीज की लिब्रा के साथ नहीं बनती, वो आपको बार बार ये कहेंगे एरीज की लिब्रा के साथ नहीं बनती क्योंकि ये वहाँ से सातवां है और ये अपोजिशन में, इसलिए इनकी नहीं बनेगी। चलिए और आगे चले जाएं, एरीज से दसवां एरीज टॉरस जेमिनाई कैंसर लियो वर्गो लिब्रा स्कॉर्पियो सेगिटेरियस कैप्रिकॉर्न एरीज की कैप्रिकॉर्न के साथ नहीं बनेगी, ये आपस में लगते लड़ते झगड़ते रहते हैं लोग ये कहते हैं। ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल ठीक नहीं है। जब तक आप किसी का चार्ट नहीं बना लेते, आपको जब तक प्लेनेटरी कंडीशंस का पता नहीं चल जाता, आप किसी पर यह हुक्म सादर इसलिए नहीं कर सकते कि ये बात आपके लिए बड़ी डिफरेंट और नेगेटिव हो जाएगी। कि आपने बगैर किसी का चार्ट बनाया और आपने नेटल चार्ट यानी कि पैदाइशी जायचे से आपने कुछ पढ़ दिया और आपने ये कह दिया किस तरह, मेरी एक कज़न है आर्मी में है, उनको किसी ने ये कहा कि जी आपका नाम जो है वो और आपकी बेगम का जो नाम है ये आपकी शादी कभी नहीं अच्छी बनेगी। उन्होंने ये क्वेश्चन मुझसे पूछा और मुझसे पूछा कि ये किसी ने मुझे कहा था, एस्ट्रोलॉजर था, उसने कहा था कि जी आपकी शादी कभी नहीं चलनी। मैंने कहा अच्छा, मैंने उनका चार्ट बनाया, मैंने उनका चार्ट बनाकर देखा, मैंने उनको कहा कि आपके चार्ट में आपकी बेगम के साथ आपकी बहुत अच्छी बनेगी और बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजरेगी, आपकी औलाद होगी, उसमें मेल्स होंगे, आपकी ज़िंदगी पूरे तरीके से खुशहाल होगी और वो अपनी ज़िंदगी बहुत अच्छी गुजार रहे हैं। इसलिए मैं बार बार ये कहना चाहता हूँ कि किसी भी एस्ट्रोलॉजर को किसी का चार्ट पढ़े बगैर ये स्क्वेयरिंग बनाकर अपोजिशन में प्लैनेटरी कंडीशन को देकर या हाउसेस को देकर कोई रीडिंग बिल्कुल ना दें, ये ठीक नहीं होती। अब ये जो है कि ये दो क्या दो चार्ट जो हैं उनको हम मिलाकर कोई एक
कंपेटेबिलिटी जनरेट करते हैं। मेरे पास बहुत सारी औरतें आती हैं, जी मैंने अपनी बेटी की कुंडली जो है वो अपने बेटे से मिलानी है, उसके दाम उसके शोहर से, ताकि वो देखने इन दोनों की ज़िंदगी कैसे गुजरेंगी। तो मैं फिर ये कहता हूँ कि ये इंडियन कॉन्सेप्ट है। दो मुख्तलिफ हॉरोस्कोप बनाकर आप पढ़ते सिर्फ एक ही हॉरोस्कोप है, और पैसे आप दो कुंडलियों के यानी कि दो चार्ट के आप चार्ज करते हैं, ये सिर्फ पैसा कमाने का एक आसान तरीका है। एक ही चार्ट अगर एस्ट्रोलॉजी बंदे को आती है तो एक ही चार्ट से वो आपकी यानी कि किसी लड़की का शोहर, उसका वालिद, उसका भाई, उसका ख़ानदान, उसके सारे मामला को वहीं से पढ़ देगा। जैसे अगर मेरी ज़िंदगी में मेरी शादी होनी है तो मेरी शादी से मेरी बेगम पढ़ी जा सकती है। अगर मैं ये पढ़ा जा सकता है कि किसी का चार्ट कि ये इतना पढ़ा लिखा है, इसकी एजुकेशन ये होगी, ये बिज़नेस करेगा, ये सर्विसेज करेगा, ये ट्रेडिंग में होगा, अगर ये सारी चीज़ें पढ़ी जाती हैं तो ये नहीं पढ़ा जा सकता कि जो आदमी है उसकी ज़िंदगी में जो उसकी बेगम होगी उसका रोल क्या होगा, पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा। तो इसलिए जो दो कुंडलियां मिलाते हैं बेसिकली वो आपको धोखा देते हैं, वो आपको धोखा देकर उनसे पैसा कमाना चाहते हैं, पैसे कमाते हैं और आपको ये कहते हैं कि हम आपकी कुंडलियां मिला देंगे। तकदीर तो वो है जो अल्लाह ने पहले से लिख दी है, जो भुगतना है आपने वो तो आपने भुगतना है। जब आपने भुगतना ही है तो फिर आपको मुझे ये बताएं कि वो कुंडलियां मिला के कैसे बेहतर कर देंगे। इसलिए एस्ट्रोलॉजी में कुंडली मिलाने का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ये खुद साख्ता बात है जिसको करके लोग आपसे पैसे बटोरने के लिए करते हैं। एक ही कुंडली, सिर्फ एक, बहुत काफ़ी होती है ज़िंदगी के किसी भी चीज़ को पढ़ने के लिए जो आपसे मुंसलिक है। जैसे मैं और मां मिसाल देता हूँ, हम कुंडलियाँ पढ़ते हैं तो हम कहते हैं कि जी आपके बच्चे फ़ौरन से पढ़ेंगे, बाहर से पढ़ेंगे, आला तालीम याफ्ता होंगे। अगर हम ये पढ़ सकते हैं कि किसी के बच्चे फ़ौरन से पढ़ेंगे और आला तालीम याफ्ता होंगे तो कोई ये नहीं पढ़ा जा सकता कि उसके हस्बैंड का उसके साथ तल्लुक कैसा होगा, हस्बैंड उसको किस तरह रखेगा, उसका हस्बैंड नौकरी करता होगा, कारोबार करता होगा, ट्रेडिंग करता होगा, सर्विसेज में क्या होगा, ये सारी चीज़ें पढ़ी जाती हैं। इसलिए जब भी आपको कोई आदमी ये कहे जी आप ऐसे करें कि उस बंदे की भी डेट लाएँ और उन दोनों कुंडलियों को मिलाकर पढ़ेंगे, तो इसका मतलब ये है कि उसे एस्ट्रोलॉजी नहीं आती, वो आपको डिसीव कर रहा है, आपको धोखा देकर किसी और तरीके से और पैसे कमाने के चक्कर में है, इसलिए वो दो अलग अलग जायचे बना रहा है। इसलिए इन चीज़ों से मैं एस्ट्रोलॉजी को भी कहता हूँ कि वो थोड़ा बाज रहे हैं ताकि लोगों को राह रास्त पर लाने के लिए सच्चाई से काम लें और असल में जो चीज़ें फ़ायदा देती हैं उनकी तरफ जाएं, लोगों को बिगाड़े नहीं। उम्मीद करता हूं कि आपको ये बात आज समझ आ गई होगी कि हॉरोस्कोप जो है उसमें से एक ही हॉरोस्कोप सबकी ज़िंदगियां पढ़ने के लिए बहुत बड़ा होता है। आपकी बहन, छोटी बहन, बड़ी बहन, आपकी वालदा, आपके वालद की सेहत, ये सारे मामले एक ही चार्ट से पढ़े जाते हैं। जो लोग इसको अलग अलग करते हैं, एस्ट्रोलॉजी उन्हें नहीं आती, वो लोगों को इस्तेमाल करते हैं, उससे बचें। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये एस्ट्रोलॉजी की ये सारी लैंग्वेज आपको समझ आ गई होगी। वीडियो आपको अगर पसंद आए तो उस पर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मेरा नंबर है 03214419244। मैं आपके जवाब देने का पाबंद हूँ, इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि वो तमाम लोग जो मुझे YouTube पर देखना चाहते हैं वो अपने मुख्तलिफ क्वेश्चंस करें, पामिस्ट्री का, एस्ट्रोलॉजी का कोई क्वेश्चन ऐसा ना हो जिसकी वजह से वो अपने आप को एक मुबहम या अपने आप को कन्फ्यूज्ड पाए। इसलिए बेहतर ये है कि सवालत करें। आपको बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।